अभी तो तुम ही ढोएगी घर तक, यही तो हमको चिंता है। मेरा सबसे बड़ा चिंता है कि तुम ही अभी इसको उठाएगी घर तक और हम टच भी नहीं करेंगे। अब कैमरा में जो तुम शो कर रही बेचारी बन रही हो, अब तुम घर तक चलो ऐसे। Hey guys, welcome back to our channel, नेहा एंड विशाल ब्लॉग्स, और यह नया वीडियो आप लोगों के लिए हाजिर है। तो गाइज आप लोगों कल के वीडियो में देखा होगा कि हम लोग गए थे घूमने और घूम के आ गए थे, और क्यारा भी अभी सो के उठ गई है और हेयर कट अभी क्यारा का अभी मस्त लग रहा है सो के उठी है। तो क्यारा आओ दिखा, तो हेयर कट दिखाओ बेटा, आओ जल्दी, ये देखो। अरे वाह, क्यारा का तो हवा में हेयर कट एकदम मस्त लग रहा है। गाइज आज बहुत ज़्यादा काम है, मतलब काम है वो तो आप लोग देखिएगा ही। मेरा बाइक वहाँ छूट गया था क्यूल में ही, और बहुत सारा ऑफिस का, बैंक का, LIC का बहुत सारा काम है, तो सब जगह जाना है। गाइस तो अभी हम सुबह का नाश्ता बना रहे हैं, चीला सूजी का, मतलब इसको उत्पम भी कहते हैं हम लोग। वैसे तो चीला सबको पसंद होता है खाने में, और अगर कुछ जल्दी करना है तो हम लोग चीला ही बना लेते हैं उत्पम, और जल्दी जल्दी हो भी जाता है, और दिन के लिए भात दाल भी बन चुका है। आज इनको बहुत काम था, ऑफिस जल्दी जाना था, और उससे पहले भी बहुत सारा काम करना था। अभी चलते हैं, इनको देते हैं चीला, पता नहीं कैसा बना है। तो लीजिए आपका नाश्ता तैयार है। उत्पम, हाँ मतलब उत्पम या चीला जो भी बोल सकते हैं। सबसे पहले तुम बनाएगा गरम गरम कैसा बना है बताओ। अच्छा बना है, आप बताइए। ठंडा नहीं कर रहा था एसी, तो अभी सर्विसिंग करने के लिए आए हुए हैं एसी वाले। जैसा कि आप लोगों ने हमारा ब्लॉग देखा होगा, हम लोग गए हुए तो एक्चुअली में हम बाइक क्यूल स्टेशन पे लगा के गए थे, और जो ट्रेन से हम लोग लौटे वो क्यूल में रुके थे और लखीसराय में डायरेक्ट रुकी, इसलिए मेरा बाइक वहीं पर रह गया। तो अभी हम जा रहे हैं ट्रेन से, देख सकते हैं, और ट्रेन से अभी जा रहे हैं हम क्यूल, वहाँ से बाइक लेंगे और फिर घर लौटेंगे। पार्किंग में, और गाड़ी मेरी वहाँ पे लगी हुई है। पहले बिलिंग पास कराना होगा, सारा पैसा जमा करना होगा, जमा कर लेते हैं पहले। हे गाइस, तो अभी हम जैसे ही लौटे तो हमको एक चीज़ दिखा, इसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में जल्दी बताइएगा, क्योंकि आगे हम लोग बताने वाले हैं, लेकिन आप जल्दी बताइए इसको आखिर क्या बोलते हैं। अभी हम घर आ गए हैं, और बाहर इतना ज़्यादा गर्मी है, अगर कोई धूप में 5 मिनट खड़ा रहे तो हमको लगता है वो जल जाएगा धीरे 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 धीरे। तो अभी लाए हैं जो खाने वाले हैं, है तार का कोवा, और इसको हर जगह अलग अलग नाम है, पूर्णिया में क्या बोलता है बताओ, और यहाँ तार का कोवा, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। टेस्टी है, पानी तो रहता है। हाँ वही तो, पानी है ना, फायदा करता है शरीर को, तो बहुत टेस्टी लगता है, खाते हैं इसको। गाइस तो अभी हम लोग आए हुए हैं मार्केट, क्योंकि बहुत घर का सारा सामान खत्म हो गया था, तो अभी आई है नेहा शॉपिंग करने, नेहा आई है शॉपिंग करने, बोलेगी हम जाएंगे। ये क्या कर रही है उसको, वो नह रहेगी ट्रॉली पे, एक मिनट बैठा रहे बस, देखेंगे तो घूमते रहेगी। जो 11 सबसे पहले ले रही है अपना हगीज, जो कि खत्म हो गया था, जैसे हगीज इसको दिख गया था हगीज, और क्या लिए क्यारा, अपना भागी हो गई अभी से ही क्यारा, इसको पता है कि मेरा कौन सा साबुन है, मेरा कौन सा हगीज है। इधर से आओ जल्दी जल्दी, लो जो लेना। तो हम लोग का अभी इतना सारा शॉपिंग हो गया है, मतलब घर का जो भी अच्छा, मतलब यूज करने वाला सामान है, हम लोग वही सब ले रहे हैं जो कि बहुत दिन से ख़त्म हो गया था। और ये नया मॉल खुला हुआ है, रिलायंस फ्रेश ना, रिलायंस फ्रेश इसका नाम है, तो इसमें मतलब सब चीज़ एक जगह मिल जाता है, और AC भी चल रहा है, जो कि विशाल मेगा मार्ट में तो बिल्कुल नहीं चलता है AC, तो इससे अच्छा है कि हम लोग यहीं पे आके ले लेना। और क्यारा इंजॉय कर रही है अपना राइड इसमें बैठ के आराम से, क्यारा मजा आ रहा है।
इधर देखो ना, मजा आ रहा है। मजा तो क्या रखो आएगा ही। एट लास्ट साबुन खोल ली। खोल ली? हाँ। चलो बंद करो, बंद करो, बंद करो। इतना दिन से नहीं लाया, अगरबत्ती तो लेना ही होगा आपको कोई भी कीमत। ले रहे हैं। चार दिन से अगरबत्ती नहीं जला रहे हैं। तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा। वही तो, अगरबत्ती अगरबत्ती ने लगाए, लाए नहीं लाए, हम हमेशा बोलते रहते हैं इनको। ले लिए ना, अब आप चुप हो जाओ। और एट लास्ट क्या आ रहा, कोई इसे उतारना पड़ा क्योंकि सामान सब भर गया है घर का कुछ कुछ। और ये साबुन के पीछे पड़ी है। फाड़ना मत बेटा, नहीं तो बोगो फिर पकड़ लेगा। शॉपिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं नेहा शॉपिंग कर रही है। और शॉपिंग कौन कर रहा है? घर का कर रहा है ना। आप अपने लिए कर रहे हैं। जैसे कि साबुन खत्म था, शैम्पू खत्म था, तो हम लोग को एक दिन ही निकले और सारा कुछ हम लोग को यहाँ पे मिल जा रहा है, तो ले लेते हैं एक साथ ही। क्यारा का हगीज खत्म था, हम लोग यूज करते हैं। चाहिए क्या? नहीं, सिर्फ हरा वाला चाहिए। हाँ, ये हरा वाला रख लीजिए एक, ये बर्तन धोने के काम आ जाता है। नहीं तो बार बार लाना पड़ता है आपको दौड़ दौड़ के। हाँ ये भी ठीक है। हाँ ये स्क्रबर वाला है, मतलब वो लोहा टाइप का जो होता है ना। क्या रहा, गिर जाएगा, रखो। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो आगे चलो। भागी, चाय पत्ती तो नहीं हम लोग के? नहीं, चाय पत्ती जो हम लोग खाते हैं वो वाला तो नहीं, पीते हैं, मतलब वो वाला नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं। चीज है, चीज। क्या रहा को चीज चाहिए। अभी सामान बहुत कम है ना, धीरे धीरे आ रहा है, ले लीजिए। ओ आप इसी को बोलता है ना कोल्ड स्टोरेज में, मतलब ठंडा करके रखने वाला। हाँ ये घर में भी रखता है लोग, पता है तो रखता है, लेकिन सेब ये सब जो रखता है घर में, ये घर में कौन रखता है? ये नहीं रखता, फ्रीज में तो रख सकते हैं ना हम लोग, ऐसे आगे आने दे दीजिए। क्या है ये? क्या है इसी को बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। क्या है, क्या रही है? ये नहीं है कोल्ड स्टोरेज, यही है। कोल्ड स्टोरेज से बड़ा होता है, होता होगा, लेकिन यहाँ मॉल का छोटा मोटा है। अच्छा। तो हम लोग आटा भी ले लिए हैं। और चीनी क्यों छोड़ दी? चीनी क्यों छोड़ दी? छोड़ दी है क्योंकि विशाल मेगा मार्ट मुझे फ्री में देता है ना। मार्केट में 40 रुपए के जी है, ठीक है ना। हाँ। तो 2 kg का पैकेट था, उस हिसाब से 80 रुपए मार्केट के साथ, लेकिन इसका प्रिंट था 120, मतलब 40 ज्यादा। बाप रे बाप। तो मतलब सिर्फ शॉपिंग नहीं करना होता, थोड़ा दिमाग भी यूज करना। शॉपिंग के लिए तो ये मतलब घर का सारा सामान यहाँ मिल जा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा। क्यों चिल्ला रही हो? कह रहा घर का सामान तो मिल जा रहा है इजीली, लेकिन बहुत ज्यादा कॉस्टली है। रिलायंस ना ना। हाँ ये सिंधा, लेकिन मोटा दाना गलेगा, गल जाएगा सब्जी में। रॉक साग। क्यों चिल्ला रही हो? क्या रहा, क्या रहा, नहीं चिल्लाना चाहिए। रही हो? बैड मैनर्स। एट लास्ट हम लोग का शॉपिंग हो गया, घर का सामान। और क्या रहा अब खेल रही है, और इनको एट लास्ट क्या याद आया कि गए लाने, पता नहीं, देखते हैं क्या लेके आते हैं। और क्यारा कहाँ चली? चलो इधर बिलिंग कराएंगे, चलो अब हो गया बिलिंग कराएंगे, अब मत लेके चलो, पापा डांटेंगे बेटा। ई बदमाशी कर रही है। क्या लाने गए थे? देखने बिस्किट पार्ले जी। पार्ले जी नहीं मिलेगा आपको, विशाल में ही जाना पड़ेगा एट लास्ट। यारा को बोले वहीं रहना तो वहीं है, वहां से हिल ले रही है। यहाँ क्यों खड़ी हो? कौशल क्यों खड़ी हो बताओ। Hey guys, तो हम लोग का यहाँ से हो गया शॉपिंग, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। नेहा सामान को उठाई हुई है, ढो रही है। हाँ, है ना, आपने उठाए।
बाप रे, अभी तो तुम ही ढोएगी घर तक, यही तो हमको चिंता है। मेरा सबसे बड़ा चिंता है कि तुम ही अभी इसको उठाएगी घर तक, और हम टच भी नहीं करेंगे। अब कैमरा में जो तुम शो कर रही बेचारी बन रही हो, अब तुम घर तक चलो ऐसे ही। चलो ग्यारह, चलो बाय, मम्मी को बोलो आएगी, बाय, हम लोग चलते हैं, तुम दोनों आओ आओ आओ। गाइस अभी शॉपिंग से आए तो हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग गया था, तो कुछ नहीं ज़्यादा, ये बस आलू का भुजिया है और ये रोटी है, यही खाने वाले हैं। और नेहा का बस एक स्पेशल आने वाला है, ये हम खाएंगे, और नेहा का आने वाला है पनीर टिक्का ना, पनीर सीख कबाब। हाँ तो हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा।